हेलो एवरीवन, वेलकम टू SRBPS ऑनलाइन क्लासेस। यस स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट वेरियस मेथड्स ऑफ इवैल्यूएटिंग ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी दैट व्हाट रिजल्ट्स विल कम फ्रॉम हियर। सो प्लीज हैव अ फोकस ऑन व्हाट आई एम डूइंग ओवर हियर एंड विल ड्रॉ द रिजल्ट दैट व्हाट द रिजल्ट विल कम व्हेन वी विल सॉल्व दीज टू लिमिट्स। फाइन। Yes, students, see here. It is a right angle triangle at C. So, here what we can say that angle C is equal to 90 degree in degree measure. But if I am talking about the radian measure, so angle C is equal to pi by 2 radians. I have told you now what is the formula to convert degree measure into radian measure. So, angle C is equal to pi by 2 radians over here. Now see students, as we know, sin x will be equal to perpendicular upon hypotenuse. So what is the perpendicular over here? AC. And what is the hypotenuse over here? AB. So sin x is equal to perpendicular upon hypotenuse, which is equal to AC upon AB. Similarly, cos x will be equal to base by hypotenuse. So, in this manner, it will be equal to CB upon AB. So, these are the trigonometric ratios sin x and cos x if we are taking this one right angle triangle. Now, see students, here the angle is x. And as we can see, here we have to evaluate those two limits. So, here x is approaching towards 0. जैसे कि जो ये आपका x है, अगर वो जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है, इट मीन्स इट इज वेरी वेरी क्लोज टू जीरो। ये जीरो के बहुत ज्यादा क्लोज है एज इट इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स जीरो। तो जब ये आपका जो एंगल है x, इट विल स्टार्ट अप्रोचिंग टुवर्ड्स जीरो। सो व्हाट विल हैपन, इट विल गोज ऑन डिक्रीजिंग। जब ये डिक्रीज करना शुरू करेगा, तब क्या होगा, दिस वन वर्टेक्स a, जो ये वर्टेक्स है ए, इट विल स्टार्ट कमिंग नियरर टू विच वन पॉइंट, विच वन वर्टेक्स। जो आपका ये वर्टेक्स ए है, दिस विल स्टार्ट कमिंग नियरर टू सी। सो अगर आपका जो एक्स है वो जीरो तक अप्रोच कर रहा है, सो वी कैन से दैट जो आपका वर्टेक्स ए होगा, दैट विल अप्रोच टुवर्ड्स सी पॉइंट। इज इट फाइन। आफ्टरवर्ड्स यू पीपल प्लीज लुक ओवर हेयर। As A is approaching towards C, जो A है वो C की तरफ अप्रोच कर रहा है, so what will happen for CA? CA के लिए हम यहाँ से क्या डिडक्शन निकाल सकते हैं, क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? जैसे कि अगर जो आपका x था, the angle which was goes on decreasing, so this vertex A started coming nearer to C. In the same manner, जो आपका ये perpendicular है CA, जो ये perpendicular है CA, इट विल स्टार्ट अप्रोचिंग टुवर्ड्स जीरो। तो जो ये सी ए है, ये कहां पर अप्रोच करना शुरू कर देगा, जीरो की तरफ अप्रोच करना शुरू कर देगा, एज ए हैज स्टार्टेड टू कम नियर टू द सी वर्टेक्स। फाइन। इन द सेम मैनर, जो ये आपका बी ए है, ये जो आपका बी ए है, दिस विल स्टार्ट अप्रोचिंग टुवर्ड्स बी सी। अगर आपका जो ये एंगल एक्स है, इफ इट इज डिक्रीजिंग एज इट इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स जीरो, एंड इन दैट केस अगर जो वर्टेक्स ए है, इफ इट इज कमिंग नियरर टू सी, इन दैट केस जो आपका ये बी ए है, दिस विल स्टार्ट अप्रोचिंग टुवर्ड्स बी सी। सो आई होप टिल हियर दिस विल बी क्लियर टू यू। ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एक्स जो था दैट वॉज स्टैंडिंग टू जीरो। ठीक है। आफ्टर दैट नाउ वी विल सी व्हाट विल बी अफेक्ट हियर। फाइन। ये स्टूडेंट्स, नाउ सी हियर, जैसे कि अगर आपका जो एंगल एक्स था वो जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा था, सो दिस ए वर्टेक्स, दिस वर्टेक्स ए हैज स्टार्टेड टू अप्रोच टुवर्ड्स सी। जो ए वर्टेक्स था उसने सी की तरफ अप्रोच करना शुरू कर दिया था। एंड इन द सेम मैनर, जो ए सी था वो आपका डिक्रीज करना शुरू हो गया होगा, क्योंकि जैसे जैसे एंगल छोटा होता जाएगा, तो ये जो परपेंडिकुलर है, ये जो आपका वर्टेक्स ए है, ये सी की तरफ आना शुरू कर देगा। और ये जो आपका बी ए हाइपोटन्यूज था, इट विल स्टार्ट टेंडिंग टू बी सी। अब इसके बाद देखिए, अगर यहां पर हमें इवेल्युएट करना है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स, तो अब हमारा आंसर यहां पर क्या आएगा, प्लीज सी ओवर हियर।
लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, जो हमारी साइन एक्स की वैल्यू है वो क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर इज सी ए। वॉट इज द हाइपोटन्यूज, हाइपोटन्यूज इज ए बी। तो अब हमारी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एज वी नो जो हमारा सी ए है दैट इज अप्रोचिंग टूवर्ड जीरो, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो सी ए अपॉन ए बी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, वी विल स्टार्ट गेटिंग इट्स वैल्यू विल बी इक्वल टू जीरो, जो इसकी वैल्यू है दैट विल स्टार्ट अप्रोचिंग टूवर्ड्स जीरो। सो लिमिट एक्सटेंड्स टू सी, एक्सटेंड्स टू जीरो सी ए अपॉन ए बी विल बी इक्वल टू जीरो। नाउ सिमिलरली इफ वी आर टॉकिंग अबाउट लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो कोस एक्स, देन वॉट विल बी अवर वैल्यू। Now see here students, what is your cos x? It will be base upon hypotenuse. So it means it will be limit x tends to 0. Cos x ki value kya hai? Base upon hypotenuse. Base kya hai? BC upon hypotenuse kya hai? AB. To ab iski value kitni ho jayegi students? Jaisa ki jo aapka BC hai, matlab jo aapka BA hai, that was approaching towards BC. To jo BA tha, that was coming nearer to BC. तो इट मीन्स यहां से लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो बीसी अपॉन ए बी विल बी इक्वल टू वन, तो इट मीन्स वी विल गेट द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो कॉस एक्स विल बी इक्वल टू वन, इज इट कॉस एक्स विल बी इक्वल टू वन, एंड फ्रॉम हेयर दिस लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो साइन एक्स विल बी इक्वल टू जीरो। सो आई होप दीज टू रिजल्ट्स विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू।